हाँ भाई लोग, क्या हाल है? तैयार हो जो सेमीफाइनल मैच के लिए, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि होने वाला है वानखेड़े में, मुंबई में। विकेट कीपर है पर नाम होता है केएल राहुल। भाई केएल राहुल को मैंने लास्ट मैच में पिक किया था, देखो 100 रन मार गया, अच्छी बैटिंग करता है। इंडिया बैटिंग करती है तो पिक कर सकता हूँ, फिलहाल अभी ड्रॉप करके चलता हूँ। विकेट कीपर में सेकेंड नाम आता है डेन कॉर्नर। भाई बैट्समैन बढ़िया है मगर फॉर्म थोड़ी ऊपर नीचे जा रही है, फिलहाल मैं पिक कर लूँगा टीम लेथन। बैट्समैन बढ़िया है, बस बैटिंग ऑर्डर थोड़ा डाउन है तो इसलिए मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बैटिंग में पहला नाम आता है रोहित शर्मा। भाई रोहित शर्मा का तो रिकॉर्ड आपको पता ही है, वानखेड़े में आईपीएल भी खेलता है, आईपीएल के लिए खेलता है, लास्ट मैच में एक ओवर में एक विकेट भी ले गया, तो सही है भाई, बैटिंग तो अच्छी कर ही रहा है। विराट कोहली, भाई विराट कोहली का भी फॉर्म इस ग्राउंड में बहुत बढ़िया रहता है। अगेन न्यूजीलैंड से 95 रन मारे थे तो मैं पिक कर लूँगा विलियमसन। भाई विलियमसन ऐसा प्लेयर है कि हर टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस देता है तो मैं इसलिए पिक कर लूँगा। सेकंड नाम आता है मिचल। भाई ये मिचल वही है जिसने इंडिया के खिलाफ 105 रन मारे थे, अभी दिखा देता हूँ मैं। ये देखो इंडिया के खिलाफ इसने मारे थे 135 रन, तो पिक कर लेंगे, अच्छी बैटिंग कर रहा है। शुभम गिल बैट्समैन बढ़िया, इंडिया बैटिंग करेगी तो मैं पिक कर सकता हूँ, फिलहाल ड्रॉप करके चलता हूँ। शेष अय्यर, शेष अय्यर भाई आपने देख लिया 3 मैचों से लगातार परफॉर्मेंस कर रहा है और अच्छा बैट्समैन है तो ले सकते हैं, फिलहाल मैं अभी ड्रॉप करके चल रहा हूँ। सूर्य कुमार यादव, बैटिंग डाउन होती है, अच्छा इसका ये बैटिंग ऑर्डर डाउन है तो इसलिए मैं इतना प्रेफर नहीं कर रहा, ड्रॉप करके चलूँगा। ऑलराउंडर पहला नाम आता है रविंद्रा। भाई रविंद्रा का फॉर्म तो आपको पता ही है, बॉलिंग बैटिंग से क्या ही परफॉर्मेंस दे रहा है, तो पिक कर लेंगे रविंद्र जडेजा। भाई ये भी बहुत अच्छा करता है, फिलहाल इसने न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग से परफॉर्मेंस दिया था, बॉलिंग से कुछ खास कर नहीं पाया था, फिलहाल तब भी मैं पिक कर लूँगा क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है। मिचल सैटनर, वानखेड़े पे स्पिनर को इतना हेल्प होता नहीं है तो मैं चाहूँ तो ड्रॉप करके चल सकता हूँ क्योंकि इंडिया के खिलाफ इसने एक विकेट लिया था, तो आप देख सकते हो फिलहाल मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ। ग्रैंड फिलिप्स, देखो बैटिंग अच्छी कर रहा है प्लस ये बॉलिंग डाल रहा है तो एडवांटेज है, आप चाहो तो ले सकते हो, फिलहाल मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बॉलिंग में पहला नाम आता है मोहम्मद शमी, जसबी बुमराह पुक कर लूँगा, क्यों? क्योंकि वानखेड़े में थोड़ा बॉलर के लिए स्विंग मिलता है तो इसलिए मैंने पिक कर लिया। और सेकेंड नाम आता है टेड बॉल। टेड बॉल ने भी बहुत आईपीएल खेला है मुंबई के लिए इस ग्राउंड पर, तो देख सकते हो आप कुलदीप यादव। भाई जैसे ही स्पिनर को पता चलेगा हेल्प है तो कुलदीप यादव पिक कर लेंगे, फिलहाल मैं अभी ड्रॉप करके चला। लॉकी फर्गुस जिसने इंडिया के खिलाफ लास्ट मैच में 2 विकेट लिया था, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, इंडिया इधर 2 विकेट लिया था तो अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इंडिया के खिलाफ, तो आप पिक कर सकते हो। अभी मैं कन्फ्यूज हूँ टीम साउदी लोगों की लॉकी फर्गुसन, फिलहाल मैं लॉकी फर्गुसन के साथ जा रहा हूँ। मोहम्मद सिराज, भाई मोहम्मद सिराज का ही फॉर्म आपको पता ही है, जब से इसने श्रीलंका के खिलाफ 3 विकेट मारी जब से इसका फॉर्म आ गया, तो आप देख सकते हो फिलहाल, और कोई कुछ ना खास, टीम साउदी तो बढ़िया गेंदबाज है, फिलहाल मैं फर्गुसन जा रहा हूँ। अपना कप्तान वाइज की साइड बढ़ते हैं, सबसे मस्ट कप्तान विराट कोहली एंड केन विलियमसन, और थर्ड ऑप्शन रविंद्रा। रविंद्रा बॉलिंग से उतना खास परफॉर्मेंस कर नहीं सकता क्योंकि इंडियन बैट्समैन स्पिन अच्छा खेलते हैं, शायद एक आधा ले जाए, फिलहाल मैं कप्तान विराट कोहली वाइस विलियमसन के साथ जा रहा हूँ। चाहो तो रविंद्रा के साथ जा सकते हो, बॉलिंग बैटिंग दोनों कर रहा है। डेमो टीम की तरफ चलते हैं, जिसमें पहला नाम आता है डैन कॉनवे। डैन कॉनवे का तो आपको पता है क्या ही टेक्निक बैट्समैन है, रोहित शर्मा है अपने पास, विराट कोहली है सामने से, केन विलियमसन, मिचल है वहाँ हमारे पास, रविंद्रा है, रविंद्र जडेजा है, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, टेड बोल्ट एंड फर्गुसन। ये अपनी डेमो टीम है, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगी, बाकी जो बताए जिसको ध्यान दो और एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना, बाकी वीडियो मस्त रहना। ओके भाई, हैप्पी दिवाली।